आत्मदाह करने वाली रेप पीड़िता के परिजनों से मिले अखिलेश, कहा यह सरकार न्याय नहीं दे सकती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को उन्नाव पहुंचे। यहां पर उन्होंने खुद को आग लगाकर आत्मदाह करने वाली रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और साथ ही 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। अखिलेश यादव करीब 20 मिनट तक पीड़िता के परिवार के साथ रहे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो बेटी न्याय मांग रही थी, सरकार उसे न्याय नहीं दे पाई। ये देश का दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहा है। सीएम तक बात पहुंचे और न्याय ना मिले तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज पर हमला बोलते हुए बोले कि भगवा धारण करने से कोई महाराज नहीं बन जाता। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार बीजेपी सरकार में हो रही हैं। सरकार भेदभाव कर रही है, पता नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या हो गया है। मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए, कहते हैं कि ठोंक दीजिए, पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जब मैं उन्नाव आ रहा था तभी अखबारों में पढ़ा कि बनारस की बेटी को न्याय नहीं मिला, उसे भी जहर खाना पड़ा है, वह भी अस्पताल में है। लगातार इस तरीके की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं और सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार जो चला रहे हैं वह अन्याय देख रहे हैं। अभी तक तो हम यह कहते थे कि जाति देख कर इलाज होता है, अब जाति देख कर FIR दर्ज होती है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को SP ऑफिस के सामने रेप पीड़िता ने आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके बाद गंभीर हालत में पीड़िता को कानपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी 21 दिसंबर को मौत हो गई थी। जिसके बाद 3 डॉक्टरों के पैनल ने पीड़िता का पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी, जिसके बाद पीड़िता के शव को 22 दिसंबर की देर शाम परिजनों ने दफना दिया था। दरअसल पीड़िता के आरोपी को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने की वजह से आहत थी। हम यह चाहते हैं भैया कि हम आरोपी सब पकड़े जाएं। हमारे यही आरोपी के पीछे जान चला गया, उनका शासन यही देंगे, 5 लाख की चेक देंगे, वो हमारे साथ हैं कहते हैं। हम सब जो कुछ हो सब साथ देंगे और उनका जैसे जो है प्रयत्न गए हाँ लड़की गई है वही पर इतनी रोज है। किस तरह की सजा चाहती हैं आप? बहन को न्याय नहीं दिला पा रहा है शासन प्रशासन, और तब जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती हो कि सबसे ज्यादा हमारी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि बेटियों को न्याय देंगे, हम उनसे जानना चाहते हैं कि एक बेटी ने एक परिवार ने उसने इतनी दरखास्तें लिखी, कोई जगह नहीं छूटी जहां पर उसने ये ना कहा हो कि मुझे न्याय मिल जाए। पुलिस के जो छोटे अधिकारी रहे होंगे उन तक ले गई अपनी बात, बड़े अधिकारी उन तक बात गई, और दरखास्त तो यहां ये भी है कि मुख्यमंत्री तक भेजी गई। बताओ मुख्यमंत्री तक अगर बात पहुंचे और उसे न्याय नहीं मिले तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? और जब वो न्याय चाहता है परिवार कि उन्होंने बेटी तो खो दी है लेकिन परिवार को न्याय मिले और सरकार उनकी मदद करे। परिवार का आरोप क्या है? ये लिखा हुआ है इसमें, अगर आप समय हो तो इनमें सब में पढ़ लीजिए, एक फोटो का भी आपको भिजवा देंगे। सजा मिल गई है, वो आरोपी जेल में है। असली जिम्मेदार तो पुलिस ही है, पता नहीं पुलिस को क्या हो गया। हमने तो अच्छा बनाया था पुलिस को।